हेलो दोस्तों एस के मोबाइल वर्क में आपका स्वागत है दोस्तों कैसे हैं आप सभी ऐसा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आप अच्छे ही रहोगे दोस्तों अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हो तो दोस्तों कुछ मोस्टली मशीनें हैं जो आपके पास होनी चाहिए वो मैं अभी आपको बताऊंगा पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा वीडियो में वीडियो को बने रहना लास्ट तक और जो चैनल पर न सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो दोस्तों देखिए सबसे पहले अगर आप देखिए स्मार्टफोन का जमाना चल रहा है बड़े फोन चल रहे हैं दोस्तों यहाँ पे मैंने कोई भी फोन नहीं रख रखे यहाँ से मैंने हटा दिए है भीड़ क्योंकि यहाँ काफी सारे फोन रखे हुए थे तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता तो जितने भी स्मार्टफोन ज्यादातर आ रहे हैं वो बैक कवर दोस्तों चिपका होता है तो दोस्तों उसे उतारने के लिए हमें सेपरेटर यानी गर्म करना होता है क्योंकि अब जो स्मार्टफोन है जितने भी सारे ए टू जेड ज्यादातर चिपका होता है जैसे आईफोन हुआ ये भी सब दोस्तों ग्लास जो है चिपके हुए आते हैं बैक पैनल से मतलब चिपके हुए आते हैं तो उसी हिसाब को देखते हुए दोस्तों ये जो सेपरेटर मशीन है आपके पास जरूर होनी चाहिए क्योंकि दोस्तों आपका जो बैक ग्लास है गर्म होएगा इससे आपको सौ एक सौ बीस पे चला के रख देना सौ पे रख देना बहुत है पांच से छह मिनट के फिर आपको धीरे धीरे पेपर घुमा के आराम से उतर जाता है इससे कोई दिक्कत नहीं आती टूटता नहीं है उसके बाद में जाते हैं दोस्तों सप्लाई ये सप्लाई बहुत जरूरी है जैसे आपकी बैटरी शट डाउन हो गई या बैटरी में करंट ज्यादा डाउन हो गया तो उसको उठाने के लिए सप्लाई काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ठीक है ना क्योंकि बैटरी को और दोस्तों जैसे शॉर्ट फोन आता है डेड मतलब शॉर्ट आ जाता है जैसे कोई शॉर्टिंग आ जाती है फोन में तो उसको ये सप्लाई काफी इम्पोर्टेंट होती है उस चीज के लिए जैसे आपने फोर पॉइंट टू वोल्ट पे लगाया उस हिसाब से चलाने के लिए काम आती है ठीक है उसके बाद में आ जाती है अगली मेन चीज जो जरूरतमंद सबसे ज्यादा एस मशीन जैसे आपके पीसी में फिट माइक हुए पीसी में लगे हुए जैक हुए उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारी एस मशीन है एस मशीन आप कोई सी भी कंपनी खरीद खरीदते तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि आप ये खरीदो वो खरीदो पर लेकिन जो बेस्ट है दोस्तों एकएटी एड सौ पचास डी मैंने ले रखी है काफी अच्छी चल रही है अभी तक इसका ये भी काला नहीं पड़ा है कम से कम डेढ़ से दो साल हो गई है और दोस्तों ये भी काफी अच्छी ये मैंने एक ए से खरीदी मतलब प्रोडक्ट अगर जेनुअन ली तो दोस्तों दिक्कत नहीं बनती अगर प्रोडक्ट ही आपका मजेदारी वाला ना हो तो दोस्तों मजा नहीं आता है उसके बाद में एक दोस्तों आता है आपका स्टैंड पीसीबी स्टैंड ये जो पीसीबी स्टैंड होता है ना हमारे जैसे पीसीबी हम वर्क कर रहे हैं तो इसमें पीसीबी फंसा के उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो आप जैक वगैरह डालना चाहते हो तो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है काफी अच्छा है ये होनी चाहिए आपके पास तो मोस्टली ये चीजें तो दोस्तों आपके पास होनी चाहिए कि पैड से क्या होता है जैसे आप कोई मोबाइल पे दबा के पेज खोल ले तो दोस्तों डिस्प्ले वगैरह टूटने का नहीं है क्यूँकि एक रबड़ रहती है और साथ में ऐसा रहता है ये फूकती भी नहीं है और इसमें दोस्तों आप यहाँ पे इधर की तरफ मैग्नेट मैगनेट पेज चिपका सकते हो और ये कुछ बॉक्स मिलते हैं आपको तो इनमें काफी हेल्प मिल जाती है आपको और यहाँ पे लगाने को मिला वैसे तो मैं इसमें रखता हूँ लेकिन यहाँ पे आप लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं आती तो मोस्टली ये ये सामान होना चाहिए लेकिन होने को तो बहुत कुछ है लेकिन ये सामान तो दोस्तों आपके पास होना ही होना चाहिए मशीनों में वैसे तो आते आयरन में भी पेंसिल आयरन आता है एक बड़ा आयरन आता है दोनों काम के लिए तो ये मोस्टली जो तीन ही आपके पास होनी चाहिए इनके बिना दोस्तों काम अधूरा है वरना दोस्तों बेकार है आप मोबाइल का नाश कर दो किसी का कस्टमर आपको गाली देगा काम में मजा नहीं आएगा वो अच्छा नहीं लगेगा तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो लगे तो लाइक कर देना अपने शेयर कर देना आज कितना जय हिंद वंदे माधव दोस्तों आपका दिन सुबह आप सभी अच्छे रहें खुश रहें